अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सर्वैक्स जेड। आज इस वीडियो में हम आपसे सर्वैक्स जेड के यूजेस एंड साइड इफ़ेक्ट्स शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अब अपने टॉपिक की जानिए बढ़ते हैं। सर्वैक्स जेड डॉक्टर आपको उस वक्त प्रिस्क्राइब करते हैं जब आपके अंदर बहुत सारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, इसके अलावा जिंक जो बहुत ही अहम होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी जब डेफिशिएंसी होती है, जब ये तमाम चीज़ें हमारी बॉडी में अप एंड डाउन होती हैं, तो डॉक्टर आपको लाजमी प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि आप ये रोज़ाना एक गोली खाएँ और आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन्स की जो डेफिशिएंसीज हो रही हैं उसको ये मेंटेन करे, उसको नॉर्मल करे, उसको रेगुलेट करे और जो कमी है उसको पूरा कर सके। ये रोज़ाना एक गोली खानी होती है दिन के वक्त, रात में ये गोली नहीं खानी, दिन के वक्त खानी है या सुबह खानी है नाश्ते के बाद। खाने के एक घंटे बाद खाएं इसे और उसके बाद आपको पानी ज़्यादा मिकदार में पीना है। अक्सर लोग मल्टीविटामिन जब यूज़ करते हैं तो उनको यूरिन डार्क कलर का आता है, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है, आप पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अलावा विटामिन सी एंड विटामिन ई मेल फर्टिलिटी के लिए बहुत ही अहम है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, उसके अलावा ये आपकी बॉडी में जो स्पर्म का जो डीएनए होता है उसे डैमेज होने से बचाता है। विटामिन ई जो स्पर्म की सेल मेम्ब्रेन होती है उसे महफूज रखती है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मेल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा जिंक मॉर्फोलॉजी को स्पर्म की अच्छा करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है, परसेंटेज को बढ़ाता है और मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो हैं उन सबको इम्प्रूव करता है। फीमेल्स भी सर्वैक्स जेड ले सकती हैं। सर्वैक्स जेड उनकी ओव्यूलेशन को अच्छा करेगी, उसके अलावा जो उनके हार्मोन्स हैं उनको नॉर्मल करेगी, सेल डिवीजन में हेल्प करेगी और वो ख्वातीन जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो उनके लिए भी सर्वैक्स जेड जो है बहुत ही अच्छा है, आप वो ले सकती हैं, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। अक्सर फीमेल्स को एक कंप्लेन है कि जब वो सर्वैक्स जेड लेना शुरू करती है तो उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, तो ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, बहुत ही कम फीमेल्स हैं जिनके साथ ही होता है कि सर्वैक्स जेड लेने के बाद उनकी जो पीरियड्स हैं वो आगे पीछे हो जाती है उसकी डेट। तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक फीमेल्स ने और जो मर्द हजरात हैं वो सर्वैक्स जेड ख़ुद से भी ले सकते हैं, डेली एक उनको खानी है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, स्टमक अपसेट हो जाना, ये तमाम वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो टेम्परेरी हैं। इसके अलावा अगर आपको रैशेज़ हों या स्वेलिंग होना शुरू हो जाए सर्वैक्स जेड लेने के बाद ज़बान पर और या फिर फेस में, तो आप फौरन ही अपने डॉक्टर से रुजू करें और सर्वैक्स जेड ना खाएं, क्योंकि ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर लोगों को, कुछ लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी होती है इस चीज़ों की, तो वो देखभाल के यूज़ करें। और अक्सर ऐसा भी होता है कि शुरू में आपको जो है ये दवा सूट नहीं करी लेकिन बाद में सूट करना शुरू हो जाती है, तो डॉक्टर